हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वी फिल्मी पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक काफी डर पैदा करने वाला और साथ ही रहस्यों से भरी दुनिया से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ टॉप 3 साउथ हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई है और अब हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी हैं। ये तीनों वेब सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, क्योंकि इनकी स्टोरी और एक्टर्स द्वारा की हुई जबरदस्त एक्टिंग एंड तक उलझा कर रखती है। इन सभी वेब सीरीज की खास बात है इनके क्रिस्प हॉरर एलिमेंट्स जो सोच से भी परे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है साल 2024 यानी हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज यक्षिणी। ये एक तमिल लैंग्वेज की सीरीज है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। सीरीज को आईएमडीबी की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली हैं। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो लगभग 30 टू 40 मिनट्स के हैं। सीरीज में लीड रोल निभाते हमें नजर आते हैं वेदिका, अजय, दयानंद रेड्डी और राहुल विजय जैसे और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। अब बात करें सीरीज की कहानी के बारे में, तो कहानी में माया नाम की एक यक्षिणी को दिखाया गया है जिसे यक्षिणी के राजा कुबेर द्वारा श्राप दिया गया है कि उसे अपनी मातृभूमि अलकापुरी लौटने के लिए 100 ऐसे मनुष्यों की जान लेनी है जो अभी तक ब्रह्मचारी हों और दूर दूर तक किसी भी स्त्री से उनका कोई नाता ना हो। ऐसे में वो अब तक धरती पर 99 शिकार कर चुकी है और 100वें की तलाश कर रही है। उसे मासूम कृष्णा नाम का एक लड़का मिलता है जिसे वो अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो कृष्णा को मारने की तैयारी करती है वहां अचानक महाकाल उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि महाकाल कौन है, वो माया से नफरत क्यों करता है, क्या कृष्णा को माया के इस घातक खूनी खेल के बारे में पता चल जाएगा और क्या माया अपने मिशन को पूरा करके अलकापुरी पहुंच पाएगी। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। काफी माइंड ब्लोइंग सीरीज है जिसका हर एपिसोड एक से बढ़कर एक है। ये सीरीज आप सबको डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और जल्द से जल्द इसे एंजॉय कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल वी फिल्मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है साल 2023 में रिलीज हुई एक एब्सोल्युटली मस्ट वॉच हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज वधुवु। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की सीरीज है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। इस सीरीज को आईएमडीबी की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग्स मिली हैं। वधुवु सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो लगभग 20 टू 30 मिनट्स के हैं। इस सीरीज के कास्ट में हमें नजर आते हैं अविका गौर, अली रजा और नंदू जैसे और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स। सीरीज की कहानी के बारे में बात की जाए तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें अंजुरी इंदु नाम की एक लड़की को दिखाया गया है जिसकी शादी अचानक रद्द हो जाती है क्योंकि उसकी छोटी बहन उसके ही दूल्हे के साथ भाग जाती है। इस घटना के बाद इंदु और उसके घर वाले मानसिक तौर पर काफी परेशान हो जाते हैं। एक साल बाद इंदु की शादी कहीं और तय हो जाती है और वो काफी खुश भी है, लेकिन ये सफर इंदु के लिए इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इंदु को अपने ससुराल घर में कई रहस्यमय स्थितियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही इंदु के ससुराल वाले इंदु के साथ काफी विचित्र व्यवहार भी करते हैं जो इस ओर इशारा करता है कि घर में किसी अनजान शक्ति का वास है। अब आगे कहानी में देखना काफी हॉरर मिस्ट्री और थ्रिल प्रोवाइड करने वाला रहता है कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है, इंदु की बहन का इस मामले से क्या संबंध है और इंदु इन सब राज से पर्दा कैसे उठाती है। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज जरूर देखनी होगी। काफी एंगेजिंग सीरीज है जो एंड तक आपको थ्रिल और मजा दोनों ही देती है और खास करके क्लाइमेक्स तो आपको इस सीरीज का फैन ही बना देगा। ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी, हरगिज इसे मिस मत कीजिए। और अब फ्रेंड्स, फाइनली हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है एक ऐसी सीरीज जो फिलहाल ओटीटी पर रन हो रही है यानी साल 2024 यानी अभी अभी जून के महीने में रिलीज हुई एक माइंड ब्लोइंग हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज 10/29 की आखिरी दस्तक। अब क्योंकि इस सीरीज के हर रोज नए एपिसोड्स आ रहे हैं तो करंटली इस सीरीज को अभी तक कोई रेटिंग नहीं मिली है। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स आ चुके हैं और बाकी के एपिसोड्स धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 30 से 35 मिनट है।
सीरीज में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ हमें नजर आते हैं राजवीर सिंह, ट्रिप सूरी, आयुषी भवे और शाम्भवी सिंह जैसे और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। अब बात करें सीरीज की कहानी के बारे में तो कहानी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जिसमें चमकिया नाम के एक छोटे से गांव को दिखाया गया है। इस गांव के बारे में एक अजीब सी बात फैल गई है कि इस गांव में पुरुषों की जान खतरे में है, और कहीं न कहीं ये बात सच भी लगती है, क्योंकि गांव में पुरुषों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं, और माना जाता है कि ये काम किसी डायन द्वारा किया जा रहा है जो रात को ठीक 10:29 पर पुरुषों पर हमला करती है। ऐसे में अभिमन्यू सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर की गांव में पोस्टिंग होती है और वो इन बातों को अंधविश्वास मानकर वहम और भ्रम में नहीं पड़ता। अब आगे कहानी में देखना काफी हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिल प्रोवाइड करने वाला रहता है कि सच में इस गांव के पुरुषों पर डायन का साया है भी या नहीं। इंस्पेक्टर अभिमन्यू इन बातों पर कब तक विश्वास नहीं करेगा और सच की तलाश अभिमन्यू को किस हद तक लेकर जाती है, जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। बहुत ही ऑसम सीरीज है फ्रेंड्स, जो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। एक से बढ़कर एक एपिसोड और सुपर्ब एक्टिंग के साथ आई ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जल्दी से इसे देख लें। कल फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।